हाय, दिस इज़ मी आरजे शातेब और मेरे साथ अब्दुल्ला हैं। अब्दुल्ला के साथ मेरे इसम लेफ्ट हैंड पे नुमान है। हम सब हेलो। लोग पहले तो सबको मुबारकबाद देंगे कि पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है। बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान की आवाम को, और जहाँ जहाँ इस दुनिया में पाकिस्तान पाकिस्तानी है बल्कि मुस्लिम है, हम उन सब लोगों को मुबारकबाद देंगे। लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये कहना चाहूँगा कि आपने 2 दिन पहले देखा होगा मैच से कि पाकिस्तान के बारे में जो मीडिया ने कहा, और बॉर्डर पे आके जिन आर्टिस्ट ने पाकिस्तान की बहनों को जलील किया, उन लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज है कि गरूर का सर नीचा होता है। आप सब लोगों ने जो हमारी बहनों को जलील किया, ये बहुत बुरी बात है। हम चाहें तो हम भी आपको उन बुरे लफ्ज़ों में याद कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं याद करेंगे। लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि अगर आप हमारी बहनों को इतना बुरा भला समझ रहे हैं, तो आप अपनी ही बेटियों को और बहनों को और माओ को क्या समझते होंगे, वो आप अपने लफ्ज़ से अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बेहतर यही है कि नेक्स्ट टाइम जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, तो ज़रा आप अपना गरूर नीचा करें। और ख़ास कर पाकिस्तान मीडिया, ख़ास कर वो एक्टर्स जो हम पैगाम मीडिया पर दे रहे थे कि पाकिस्तान को जीतना बड़ा मुश्किल है, ये है, फलां है, टिमकना है, और जो लोग इतना सब कुछ बोल रहे थे, आज वो सब लोग कहाँ हैं। तो बेहतर यही है कि अपने अल्फाज वापस लें, हम लोगों से माफ़ी मांगें, और नेक्स्ट टाइम अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ की, हम लोग आपकी मूवीज़ देखते हैं, सब कुछ करते हैं, वो एक्टर जो ख़ास कर मैं उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, जो इस टाइम बॉर्डर पे खड़े होकर कोहली कोहली पाकिस्तान में पैदा होता, विराट पाकिस्तान में पैदा होता, पाकिस्तान की जो माँ है, जो कोई भी बच्चा जमती है ना, वो ऐसे ही नहीं जम लेती, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और आप भी देखें कि हम लोगों ने क्या किया है। आप लोगों के सामने हार आपके लोगों के सामने है, बर्दाश्त करना सीखें। जब आपके अंदर बर्दाश्त नहीं ना होती, जिससे वो इंसान कामयाब नहीं होता। मेरे लिए ये एडवाइस है आप लोगों के लिए कि बर्दाश्त करना सीखो। जब बर्दाश्त करना सीख लोगे तो हमसे जीत भी जाओगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।